और मैं कुछ हम अभी बातें करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी इवॉल्व हो रही है, रिवाइव हो रही है। आई थिंक अब हम उस फेज से आगे निकल चुके हैं क्योंकि आज बहुत बड़े दो फिल्म मेकर्स भी यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हैं। नदीम इज़ राइट है और हसन ज़िया साहब इज़ है। मैं एक सिंधी बोलने वाला आदमी हूँ। मुझे जब ये स्क्रिप्ट उन्होंने दिया तो मुझे तो बाउंसर लग गए, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये होगा क्या। मैंने अंजुम को वापस भेज दिया स्क्रिप्ट। मैंने कहा तुम पागल हो गए, ये किसी और से कराओ। तो उसने कहा अच्छा चलो फिर कोई और एक्टर बता दो जो इतनी अच्छी उर्दू बोलेगा। तो मैं सच बताता हूँ मैं सिंधी हूँ, लेकिन उर्दू बोलने वालों से बेहतर उर्दू बोलता हूँ मैं क्योंकि मुझे फिल्म में भी आइडिया हो गया था। जितने सारे पागल बना रहे थे मुझे या सच बोल रहे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और ये फिल्म जब हमने शुरू की तो ये टेक्निकली मेरी पहली फिल्म थी, ये फिल्म का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अंजुम की सपोर्ट, बदर की सपोर्ट, और उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री एज इन कुछ थी भी नहीं। किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म्स क्यों बन रही हैं, कैसे लगेंगी, क्या होगा। नाउ दैट वी हैव सीन सो मच ऑफ फिल्म्स ऑलरेडी, अब एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है। कहते हैं कि जी आप मीर तकी मीर का बायोपिक और ये और वो, ऐसा नहीं है। इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी जो कि किसी के साथ भी हो सकती है। मेटाफोरिकली कोई भी आदमी इस कैरेक्टर में हो सकता है। इट हैपन्स टू बी अ शायर, लेकिन ये आपकी भी कहानी हो सकती है, मेरी भी कहानी हो सकती है, सबकी कहानी हो सकती है।